नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक है। तो वीडियो को कम से कम एंड तक तो जरूर देखिएगा। वीडियो की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर ऐड हो जाइए, वहां पर मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी, यानी कि किनको जोड़ने के लिए बनवाई थी, दो शहरों को जोड़ने के लिए बनवाई थी, वो शहर कौन कौन से हैं। तो शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण है सासाराम और आगरा और सासाराम को जोड़ने के लिए करवाया था, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों? तीसरा ऑप्शन। आरएच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो आरएच कारक का नाम जो है ये बंदर के नाम के आधार पर पड़ा, रीसस नामक बंदर। किस पर? रीसस नामक बंदर के नाम के आधार पर पड़ा आरएच कारक का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है, यानी कि भारत की जो विदेशी मुद्रा है अधिकतम किस मद में खर्च होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होती है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग यहाँ से आता है, कहाँ से आता है टिन? दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग जो है वो केवल एक ही देश से आता है, उस देश का नाम क्या है? मलेशिया। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2012 ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे या हो गए हैं, जल्दी बताओ। 2012 ओलंपिक खेल, तो 2012 ओलंपिक खेल जो है वो कहाँ पर हुए थे, जल्दी बताओ। तो वे हुए थे आपके लंदन में। और उसके बाद 2016 कहाँ पर हुए? रियो डी जेनेरियो में हुए थे ना 2016 वाले। तो 2016 वाले रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए थे। और 2020 वाले कहाँ पर होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2020 वाले जो हैं ये आपके टोक्यो जापान में होंगे, कहाँ पर? टोक्यो जापान। तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा बहन किनकी अनुदायी थी, ये हमसे पूछा गया है। मीरा बहन जो है वो किसकी अनुदायी थी? तो ये थी आपकी महात्मा गांधी की, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, गांधी में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस वर्ष प्रारंभ की या प्रारंभ हुई, ये हमसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा, जल्दी बताओ कि आपका एक्चुअल में जो सही आंसर है वो क्या होगा। गांधी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष स्टार्ट की, जल्दी बताओ। थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको सोचने में टाइम लगेगा। तो आपका जो सही आंसर है, ये क्वेश्चंस आपका गलत है, क्वेश्चंस को काट लीजिए, क्वेश्चंस मैं आपको लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका कि गांधी जी का दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ। गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो कहाँ से आरंभ हुआ, दांडी मार्च आपको बताना है। गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो कहाँ से आरंभ हुआ, जल्दी से आप बताएं। क्वेश्चंस आपका गलत था इसलिए मुझे भी मैं थोड़ा टाइम ले रहा था। तो गांधी जी का जो दांडी मार्च है वो कहाँ से आरंभ हुआ, आराम से आप बता सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ आपका अहमदाबाद से, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना इस किस वर्ष आरंभ हुई, ये है आपका क्वेश्चन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किस वर्ष आरंभ हुई, तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में आरंभ हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नागला व नागल बांध किस नदी पर बना है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, तो भाखड़ा नादल बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है, किस नदी पर, सतलज नदी पर बना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। वास्को डिगामा था एक, कौन था ये हमसे पूछा गया है, तो वास्को डिगामा जो है वो एक पुर्तगाली खोजी था, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा, तो ये वास्को डिगामा ने ही खोजा था, कब आया था, 1498 के कालीकट तट पर आया था, कौन, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है,
तो भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी। कब? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, रियूटर किसकी समाचार एजेंसी का नाम है? तो रियूटर जो है यूके की समाचार एजेंसी का नाम है और इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, धान कहाँ की मुख्य फसल है? धान जो है कहाँ की मुख्य फसल है? भारत की। देखो, धान भारत की मुख्य फसल है। यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के बहुत देश का मुख्य भोजन है। विश्व में मक्का के बाद तीसरे स्थान पर गेहूं तथा धान अधिक उत्पादित किया जाने वाला अनाज है। यानी कि सबसे पहले मक्का पूरे विश्व भर में, फिर गेहूं उत्पादित होता है और फिर धान तीसरे नंबर में उत्पादन की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? आसानी से बता सकते हैं, जल्दी बताओ। कंगारू, तो कंगारू हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कनाडा का कौन है? देखो, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है आपका गंजा ईगल, इटली का है आपका कौन? सफ़ेद लिली, और आयरलैंड का है आपका सैमरॉक। तो चारों के याद कर लो, कनाडा का है आपका क्या? गंजा ईगल, राष्ट्रीय प्रतीक की बात हो रही है, ठीक है। और इटली का आपका क्या है? इटली का है आपका सफ़ेद लिली, और सैमरॉक है आपका आयरलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो के प्रचलन में सबसे अधिक योगदान किसका रहा? तो ये रहा आपका श्रीधरन का। किसका रहा था दोस्तों? दिल्ली मेट्रो के योगदान में सबसे ज़्यादा जो योगदान है ये भारतीय मित्तल का था। किसका? भारतीय मित्तल का। श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसको याद कर लो। श्रीधरन को किसके नाम से जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन योगदान की बात करें तो भारतीय मित्तल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारतीय मित्तल नाम है उनका। 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय उन्हें दिया गया था, किसको दिया गया था भारत रत्न 1980? तो ये दिया गया था मदर टेरेसा को 1979। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देखो, 1980 में भारत रत्न देने के प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। 23 जनवरी 1980 को मदर टेरेसा को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से प्रदान किया गया, जबकि इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, काय का? शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि FTP क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट के फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। लंदन में वेम्बले मैदान किस खेल से संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंधित है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो है ये सऊदी अरब की मुद्रा है, जबकि सऊदी अरब की राजधानी जो है ये रियाद है, ठीक है। केवल एक वर्ड का फर्क होता है, यहाँ दा की जगह लाल आ गया, तो ला आ गया तो क्या आ गया? इसकी करेंसी, और दा आ गया तो इसकी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, इनमें से कौन सी सेल फॉर्न फर नहीं है, जल्दी बताओ। सेल फॉर्न फर्न नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका SLEL। क्या? SCL होगा। क्या? SCL एक फर्न नहीं है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। समझ गए, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, यानी कि अर्धचालक प्रयोगशाला मोहाली। अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग भारत सरकार का एक अनुसंधान संस्थान है, जबकि ये आइडिया हो गई, रिलायंस हो गई, ठीक है, एयरटेल हो गई, ये एक सेलफोन फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया बता सकते हैं, सिंपल है, मुंबई में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसकी ऊंचाई 26 मीटर है, और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो जॉर्ज पंचम की और रानी मैरी के आगमन के लिए 2 दिसंबर 1911 की यादगार में बना था, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है, क्यों? ये हमसे पूछा गया है, क्योंकि भैया एक वसा अणु में शर्करा अणु से अधिक CH बंद होते हैं, इसलिए। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? भारत का राज्य नहीं है, कौन सा? नहीं भैया,
अब तेलंगाना भी भारत का राज्य बन गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को, समझ रहे? तो अब अगर इसको तेलंगाना की जगह हम जम्मू कश्मीर रख दें तो बढ़िया क्वेश्चंस बन जाएगा जी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो राज्य का दर्जा इससे खत्म कर दिया गया है। भारत में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं, ठीक है। तो तेलंगाना की जगह आप लोग जम्मू कश्मीर कर दीजिए, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चंस के प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है आपका परावर्तन। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखो, हिंदी दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल का नाम है नाग। दूसरा ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट, और इसका एक प्रतीक वाक्य भी होता है, दागो और भूल जाओ, तो ये नाग का ही प्रतीक वाक्य है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो गेहूं के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी है दोमट मिट्टी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपका रामायण, और रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रंस एंड रियूंस पुस्तक के लेखक कौन है? रंस एंड रियूंस पुस्तक के लेखक हैं आपके सुनील गावस्कर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो रोडेशिया देश का जो नया नाम है जिम्बाब्वे, और हाल ही में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे जिन्हें जिम्बाब्वे का जनक के रूप में जाना जाता था, रॉबर्ट मुगाबे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसको जरूर याद कर लेना। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है? तो ये आपका ये TCP होगा, TCP या IP, ये परिवहन जो है वो लाभदायक है। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझ रहे हैं? तो ये जो है वो आवश्यक है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इसको TPO की जगह TCO की जगह TCP कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एड्स का कारक क्या है? तो एड्स का कारक है आपका HIV नामक वायरस। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जबकि HIV का भी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पर स्थित है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड जो है ये लंदन में स्थित है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो आप सभी को पता कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मूलभूत अधिकार नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बॉक्साइड इसका महत्वपूर्ण अयस्क है। किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्र कौन था? तो ये थे आपके लियोनार्डो दी विंची। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? फोलिक अम्ल, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित होता है? तो कठोर जल में उपस्थित होता है कैल्शियम। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड उपस्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये थे आपके 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने है कि यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था, कौन? दादरा, दमन, नागर हवेली या गोवा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।